जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HCM ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है और यहां से आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। फिर आप यहां पर होम पेज के ऊपर आ जाओगे जहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब में SSB HC मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहां पर सर्च में SSB HC मिनिस्ट्रियल सर्च कर लेना है और फिर इस पोस्ट के ऊपर आ जाना है। यहां पर आपको इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिल जाएगी, जैसे कि 12th पास इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एज आपके 18 से 25 साल के बीच रखी है और आप लोग इस फॉर्म को 24 जुलाई 2021 से लेकर के 22 अगस्त 2021 तक भर पाओगे। इसके अलावा यहां पर आपको पूरी जानकारी डिटेल में जैसे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर दी गई है, तो इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको नीचे आना है और नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर दोस्तों आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है, तो चलिए एक एक करके इन जानकारी को फिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम जो कि फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको डालना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का फुल नेम एंटर करना है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका जो भी है रिलीजन आपको चूज करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप जो ये जो कम्युनिटी यहाँ पर मेंशन की गई है ग्रहवालीज कुमाऊनीज गोरखाज डोगराज इनसे बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर अफेक्टेड, जो 1984 का दंगा था कि और 2002 का, क्या आप उसमें अफेक्टेड थे, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर एक्सेल्समैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसके पास 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी आईडी है, इनमें से कोई ना कोई आईडी तो आपके पास होनी ही चाहिए और कोई जो भी आईडी आपके पास है वही आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसका जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये उस मार्क के बारे में बात है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है और ये मार्क आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए, चाहे जलने का हो कटने का हो कैसा भी हो, उस मार्क के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी एंटर कर देनी है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ढूंढने के बाद भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, तो चलिए यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो फिलअप करनी है, तो यहाँ पर बोला है मैट्रिकुलेशन, तो आपने मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, कौन से ईयर के अंदर पास किया वो एंटर करना है, रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मिलेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं या फिर आप NA यानी कि नोट अवेलेबल डाल सकते हैं। डेट ऑफ इशू, कब आपकी मार्कशीट इशू की गई थी वो डेट आपको यहाँ पर इस प्रकार से एंटर कर देनी है, ये आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद आपके नंबर इनमें से किसके अंदर थे, मार्क्स के या फिर ग्रेडिंग के, तो अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे तो आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी टोटल वो एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 10+2 यानी कि 12th की जानकारी, तो सेम वे में आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, यहाँ पर आपको अपना जो ईयर ऑफ पासिंग है वो डालना है और क्या आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको एंटर
करना होगा। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको कब आपकी मार्कशीट इशू की गई थी वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम देना, जैसे कि PCM या फिर PCB जो भी था वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दे देना है और यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। नीचे आता है एग्जाम पास्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेम वे में दे सकते हो। ग्रेजुएशन में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है, जैसे कि अभी आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। अभी सब जानकारी आपको फिल करने के बाद एक बार चेक करना है यहाँ से भी और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका विलेज टाउन है वो यहाँ पर आपको लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर दे देना है, तहसील अगर आपके ऊपर लागू होती है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। अब यहाँ पर वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से फिलअप कर दीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे कि क्या आप कभी UPSC या SSC से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपको यहाँ पर यस नो में उसका आंसर देना है। बेसिकली आपको इन सभी के ऊपर नो कर देना है और अगर आप यस करेंगे तो आपको उसको पहले रीड करना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा है और फिर यस करना है और उसकी बाद में जाकर के आपको डिटेल में जानकारी देनी है। फिर यहाँ पर नीचे आना है और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके कन्फर्म कर लीजिए और यहाँ पर नीचे आपको टिक करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी का कंफर्मेशन या प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है और अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो श्योर होकर के आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है ये फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से एक बार फिर से ओके करना होगा। अब देख लीजिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको मिल चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आपका फोटो 6 महीने से पुराना नया हो और फॉर्मेट इनमें से कुछ भी चल जाएगा, साइज 500 के भी से कम रहना चाहिए। तो फोटो आपके इस तरह के एक्सेप्ट किए जाएंगे और इस तरह के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको यहां पर रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां पर पिक्चर पर आते हैं और यहां से इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं तो आपका फोटो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका यहां पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए और व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो यहां से आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहां से ओपन कर लेना है तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। नीचे अब आपको यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका फॉर्म प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहां पर नीचे आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है तो पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। अभी यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फीस जमा करने में, बट जैसे ही सही से वेबसाइट वर्क करेगी तो आप अपनी फीस जमा कर पाएंगे और इसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। तो इसी प्रकार से आप लोग SSB SC मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।